फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कस्टम यूआरएल की। आखिर कस्टम यूआरएल होता क्या है? फ्रेंड कस्टम यूआरएल का मतलब होता है छोटा और आसान सा यूआरएल जो कि आपके व्यूवर जो आपके वीडियोस देखते हैं उसके द्वारा आसानी से याद रखा जा सके। जब भी भाई आपका यूट्यूब चैनल सर्च करे आपके चैनल के नाम से तो भाई आसानी से उसे सर्च कर पाए और आपके जो वीडियोज हैं वो देख पाए, तो यही होता है कस्टम यूआरएल। तो फ्रेंड यहाँ पर जो कस्टम यूआरएल होता है, तो एग्जांपल मैं अपने चैनल की बात करूँ यहाँ पर, तो जैसे मेरे चैनल का नाम है सुमेंद्र मौर्य, जो कि मेरे नाम से अगर कोई भी यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करता है सुमेंद्र मौर्य तो डायरेक्टली मेरा चैनल सर्च में आ जाएगा। तो फ्रेंड ऐसे होता क्या है, जब भी कोई व्यूवर आपके चैनल के वीडियो दोबारा से देखना चाहता है तो अगर उसको आपके चैनल का नाम याद है जो कि यहाँ पर सरल और आसान होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वह आपके यूट्यूब पर जाकर आपके चैनल का नाम डालकर दोबारा से आपके वीडियोस को सर्च कर सकता है, आपके चैनल को सर्च कर सकता है। यही होता है कस्टम यूआरएल। तो फ्रेंड यहाँ पर कस्टम यूआरएल कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ जो कि यहाँ पर आप जब भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर एक आपको जो कस्टम यूआरएल मिलता है वो जैसे कि आप देखते होंगे यहाँ पर youtube.com/, यहाँ पर आपको XYZ बहुत सारा यहाँ पर लंबा होता है जो कि अलग अलग शब्दों से होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर कस्टम यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपके चैनल का नाम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आपका व्यूवर है जो भी आपके चैनल को सर्च करना चाहता है तो बहुत ही आसानी से सर्च कर पाएगा। जैसे आप उसे बताएंगे कि मेरे चैनल का नाम ये है जैसे कि सुमेंद्र मौर्य, आप ये डालेंगे तो आपका तो आप मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पर सर्च कर पाएंगे, तो वो आपका चैनल को बड़े आसानी से यहाँ पर सर्च करेगा। फिर अगर आपको नहीं पता है यहाँ पर कस्टम यूआरएल क्या होता है तो इस वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर कस्टम यूआरएल भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर इससे फायदा क्या होता है, जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम किसी फ्रेंड को बताते हैं या लिंक सेंड करते हैं तो इससे होता क्या है, जब भी भाई आपके चैनल का जो लिंक है ओपन करता है वह आपके जो चैनल पर जाता है वो आसानी से समझ जाता है कि ये आपका ही यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पर नाम से भी पता चल जाता है। तो साथ ही फ्रेंड जो आपका कस्टम यूआरएल है वो कई चीज़ों पर आधारित हो सकता है, या आपने जो अपना YouTube चैनल पहले बनाया है तो यहाँ पर आप अगर आपने अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर दिया है, या आपने जो भी लिंक यहाँ पर बना रखा है या जो आपको YouTube के द्वारा जो भी अपने चैनल का नाम मिला है, तो ये किसी भी तरह का हो सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने पहले जो YouTube चैनल का नाम से बनाया था, यहाँ आप जब भी अपने YouTube चैनल का नाम चेंज करते हैं तो आप दोबारा से यहाँ पर कस्टम यूआरएल क्रिएट करके यहाँ पर आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका कस्टम यूआरएल क्या है। तो कस्टम यूआरएल से यही फायदा होता है फ्रेंड यहाँ पर कि आपका जो YouTube चैनल है वो आसानी से सर्च में आने लगता है, जो भी आपके चैनल को विजिट करना चाहता है वो आसानी से यहाँ पर विजिट कर पाता है। साथ ही फ्रेंड यहाँ पर आप अपना कस्टम यूआरएल बनाना चाहते हैं या सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूँ आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर 100 सब्सक्राइबर मतलब 100 सब्सक्राइब पूरे होने चाहिए, साथ ही आपका जो चैनल है वो 30 दिन पुराना होना चाहिए, और साथ ही फ्रेंड यहाँ पर जो और कंडीशन है वहाँ पर आपका जो प्रोफाइल लोगो है वो लगा होना चाहिए, और साथ ही जो आपका बैनर है वो ऊपर लगा होना चाहिए ताकि इससे यह पता चल सके कि आप अपने YouTube चैनल पर किस तरह के वीडियोस डालते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ कंडीशन होती है जो कि कस्टम यूआरएल इसके बाद ही आप यहाँ पर बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपना जो भी आपके YouTube चैनल का नाम है उसके द्वारा। जैसे कि यहाँ पर आपको जब YouTube चैनल यहाँ पर बनाते हैं तो आपको यहाँ पर youtube.com यहाँ पर / जो भी XYZ यहाँ पर काफ़ी लंबा यूआरएल होता है, तो इसके आगे यहाँ पर सिर्फ ऐसा हो सकता है कि youtube.com/ जो भी आपके चैनल का नाम है वो आ जाएगा। इससे बहुत सिंपल हो जाता है ताकि आपका जो चैनल कोई भी सर्च करे तो आसानी से आपके चैनल पर विजिट कर सके। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं इसी तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार।